दशलक्षण महापर्व के उपरांत 11 सितंबर को आगरा के मारुति स्टेट कलाकुंज स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में क्षमावाणी पर्व का आयोजन हुआ, जहां आए श्रावक श्राविकाओं ने एक दूसरे से क्षमा याचना करते हुए मन वचन काय से जाने अनजाने में हुए अपराधों की क्षमा मांगी। 11 सितंबर को आगरा मारुति स्टेट स्थित कलाकुंज के श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में क्षमावाणी पर्व का आयोजन हुआ। यहाँ समाज के लोगों ने सर्वप्रथम देव दर्शन किए, इसके बाद पंडित शुभम जैन शास्त्री जी के दिशा निर्देशन में भक्ति का आनंद लिया। कार्यक्रम के दौरान भक्तों ने एक दूसरे को उत्तम क्षमा कहते हुए जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी। इस अवसर पर दशलक्षण महापर्व के 10 दिन धर्म का पालन कराने वाले पंडित शुभम जैन शास्त्री जी का तिलक अभिनंदन कर एवं शॉल ओढ़ा कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर सभी ने अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। क्षमा पर्व आज हमारे कलाकुंज जैन मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और सभी ने अपना अपना उद्बोधन देके सभी से क्षमा मांगी है। क्षमा का जैन धर्म में विशेष महत्व है, जिसमें क्षमा दो शब्दों से मिलकर बना है, छ और माँ, अहंकार को नष्ट करना। जिन्होंने अहंकार को नष्ट नहीं किया, जैसे उनका बल बुद्धि और वंश नाश हो गए हैं, जैसे कौरव रावण और कंस, इसलिए हमें अपना अहंकार का नष्ट करके सबसे क्षमा मांगनी चाहिए और हृदय में सरलता लानी चाहिए। पावन दशलक्षण के पावन पर्व से हम लोगों के हृदय में जो क्षमा की भावना आती है, उससे हम लोग अपना जीवन सदगति के लिए प्राप्त करते हैं। दशलक्षण पर्व 10 दिन मनाए हमने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, भक्ति भाव के साथ। ये 10 दशलक्षण पर्व पूर्ण हुए और आज क्षमावाणी पर्व यहाँ श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर समिति मारुति स्टेट में मनाया जा रहा है। बंधुओं, जहाँ मन में क्षमा के भाव आ गए तो समझिए कि मन से सारे विकार मिट गए। मन से विकार अगर मिटाने हैं तो जैन धर्म में क्षमा भाव को अपनाना है। क्षमा भाव ही उत्तम भाव है। मैं अपनी ओर से आपके माध्यम से शहर के सभी निवासियों से क्षमा भाव रखता हूँ। अहंकार का भाव न रखूँ, नहीं किसी पर क्रोध करूँ, कर जोड़ मांगू क्षमा सभी से, मन में समता के भाव रखूं। देखिए, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमने जो 10 लाख की पर्व मनाया है, बड़ी धूमधाम से मनाया। ये धर्म क्षमा से शुरू होता है और क्षमा पे ही समापन हो रहा है। आज हमारे मंदिर में क्षमा माड़ी का पर्व मनाया गया है और मैं सभी से शहरवासियों से क्षमा याचना करता हूँ। जैन समाज के लोग क्षमावाणी पर्व के दौरान अति प्रसन्न चित्त नजर आए। सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर क्षमावाणी पर्व की बधाई भी दी। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से शुभम जैन की रिपोर्ट।